हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं आपकी आज क्लास लेने जा रहा हूँ डब्ल्यूसी एंड साइंस इलेक्ट्रिशियन सीनियर एंड फिटर सीनियर्स। तो हमने कल जो चर्चा करी थी फ्रिक्शन के बारे में कि फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एंगल क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, और विभिन्न कोणों पर लगने वाले बाह्य बल कैसे निकाला जाता है, फ्रिक्शन से क्या लाभ हानियाँ हैं और फ्रिक्शन को हम कैसे कम कर सकते हैं। तो आज हम फ्रिक्शन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप ज़रा उनको ध्यान से देखिए और जो मैं वीडियोस आपको भेजूँगा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, अनसोल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की, उनको आप स्वयं अपने घर पर हल कीजिए और उनमें कोई दिक्कत आती है तो मुझसे पूछिए। तो आज हमारे पास में पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, सिंपल है। ये कोई बेड है किसी मशीन का जिस पर ये ब्लॉक रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? ब्लॉक रखा हुआ है। उस ब्लॉक को जस्ट स्लाइड करने के लिए फोर्स एफ अप्लाइड फोर्स लगाया गया है और ब्लॉक का वेट बेड बेस पर लगा हुआ है। तो इसमें हमें क्या दिया गया है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो दिया हुआ है 1800 न्यूटन। इसके बाद में इसमें दिया गया है घर्षण गुणांक, फ्रिक्शन कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है, स्थैतिक घर्षण गुणांक दे रखा है, जस्ट इम्पेंडिंग मोशन यानी जब वस्तु चलने वाली होती है तो उसमें उसका घर्षण गुणांक दे रखा है, म्यू एस का मान क्या दे रखा है, 0.16। और जब ये अप्लाइड फोर्स इतना ज़्यादा लगा दिया जाएगा कि वो अधिकतम घर्षण बल से मान से अधिक होगा तब वस्तु मोशन में हो जाएगी, तो उसका घर्षण गुणांक दिया है म्यू के इजिकल टू 0.012। तो हमें फ्रिक्शन फोर्स निकालना है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स और डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स निकालना है। तो चूंकि हम जानते हैं सब इस बात को कि एफ एस इजिकल टू क्या होता है, म्यू एस इंटू एन, यानी जो अधिकतम घर्षण बल है, स्थैतिक घर्षण बल है, वो किसके बराबर है, संपर्क सतहों के मध्य जो घर्षण गुणांक है, स्थैतिक घर्षण गुणांक है, और जो अभिलंब प्रतिक्रिया है उसके गुणनफल के बराबर है। लेकिन हमें यहाँ पर एन का मान नहीं दिया है, तो एन का मान नहीं दिया है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि एफ इजिकल टू एन, एफ इजिकल टू एन कब होगा, फ्रिक्शन के द्वितीय नियम के अनुसार। फ्रिक्शन का द्वितीय नियम क्या है कि जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, वो जस्ट क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है किसके, अभिलंब प्रतिक्रिया के। तो इस स्थिति में जो हमारा अप्लाइड फोर्स है वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की स्थिति में एफ बराबर एन, अभिलंब प्रतिक्रिया के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ जो एफ का मान है वही एन का मान होगा। तो हम सूत्र में, हमारे में, फार्मूले में हम पुटअप कर सकते हैं एफ एस इजिकल टू म्यू एस इंटू एन की जगह क्या लिख सकते हैं, एफ। तो यहाँ से हमने एफ एस म्यू एस की वैल्यू 0.16, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स की घर्षण गुणांक की वैल्यू क्या है, 0.16। 0.16 इंटू एफ का मान कितना है, 1800 न्यूटन। 1800 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लाई करने पर एफ एस का मान कितना आया, 288 न्यूटन, मतलब 288 न्यूटन बल इसके लिए घर्षण बल आवश्यक होगा कि जब वस्तु जस्ट इम्पेंडिंग मोशन में हो, मतलब चलने वाली हो, ठीक है, चली तो नहीं है, चलने वाली हो। इसी प्रकार से हमें तो दूसरा फ्रिक्शन फोर्स निकालना है एफ के, डायनेमिक फ्रिक्शन फोर्स। ये कौन सा है, डायनेमिक, जब वस्तु मोशन में, मतलब अप्लाइड फोर्स का मान अब लिमिटिंग फोर्स से, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा हो गया और वस्तु मोशन में आने लग गई, तो उसके लिए हमारे पास में फार्मूला है एफ के इजिकल टू म्यू के इंटू एन, एन की जगह वही हम एफ यूज में लेंगे और इसको हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो म्यू के का मान यहाँ पर जो दे रखा है 0.012 वो रखेंगे, इंटू एफ का मान 1800 न्यूटन रखेंगे, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 21.6 न्यूटन। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया। ये खाली
फ्रिक्शन और जो अभिलंब प्रतिक्रिया के मध्य जो संबंध है उसका जो फार्मूला है उससे संबंधित है। दूसरा सवाल आता है, इसी ब्लॉक का अगर जो ब्लॉक रखा है इसका द्रव्यमान दे रखा है मास, क्या दे रखा है? द्रव्यमान। मास क्या होता है? द्रव्यमान होता है। वो दे रखा है 250 किलोग्राम। कितना दे रखा है? 250 किलोग्राम का मास दे रखा है। और FS जो जस्ट इम्पेंडिंग मोशन में, क्योंकि जस्ट इम्पेंडिंग मोशन FS दर्शा दिया यानी स्टैटिक घर्षण पर दिखा दिया अधिकतम, तो उसका मान दे रखा है 160 न्यूटन। कितना दे रखा है? 160 न्यूटन। तो μs मतलब दोनों संपर्क सतहों के मध्य क्या पूछा है? घर्षण गुणांक का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? घर्षण गुणांक, क्योंकि घर्षण गुणांक की कोई विमा नहीं होती है, ठीक है, इसलिए इसका कोई विमा नहीं है, μs का मान निकालना है। चूँकि हमें m का मान दे रखा है इसलिए हमें वेट निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा, जो दूसरी सरफेस पर ये बेड बेस पर ये ब्लॉक दबाव डाल रहा है, तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना है? W बराबर mg होता है। क्या होता है? W बराबर mg। g का मान हम यहाँ पर मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वैसे स्टैंडर्ड g का मान कितना होता है? 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो W का मान क्या आ जाएगा? 250 × 10, W बराबर mg, तो m का मान 250 और g का मान 10, तो कितना हो गया ये? 2000 न्यूटन। कितना हो गया? 2000 न्यूटन W का मान हो गया। अब हम जानते हैं चूँकि FS इज इक्वल टू μs इंटू n, एंड जस्ट इम्पेंडिंग मोशन में n बराबर क्या होगा? W होगा। इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में क्या होगा? n बराबर W। तो यहाँ पर जो W का मान है वही n का मान होगा। तो FS का मान हमें दे रखा है 160 न्यूटन बराबर μs हमें निकालना है इंटू जो W का मान है वो कितना है? 2000। ये रख दिया तो यहाँ से हम 2000 को 160 में भाग दे देंगे, μs बराबर क्या आ जाएगा? 160/2000। इसको सॉल्व करेंगे तो μs आ जाएगा अपना 0.064। ये वैल्यू μs की आ जाएगी दोनों संपर्क सतहों के मध्य घर्षण गुणांक बल का मान आ जाएगा, जब क्या हो रहा हो? स्थितिक घर्षण बल, यानी किस स्थिति में है दोनों वस्तुएं? जस्ट इम्पेंडिंग मोशन में है, मतलब जस्ट चलने वाली हैं, चली नहीं है, मोशन में नहीं है। ये आपका दूसरा सवाल है। इसी प्रकार से तीसरा सवाल, तीसरी प्रॉब्लम है हमारी, ये कोई बुश है जिसके अंदर ये रोड आपकी मोशन कर रही है इस डायरेक्शन में, और इस पर बल लग रहा है एफ। ये एफ बल लग रहा है कितना? 5000 न्यूटन का। μs ड्राई मतलब सूखे में जब हम इसको चला रहे हैं, कोई लुब्रिकेंट नहीं दिया है, कोई नहीं, सूखे में चला रहे हैं, तो इसमें इनकी दोनों संपर्क सतहों के मध्य जो घर्षण गुणांक का मान है वो है 0.03। और जब हमने इस पर लुब्रिकेंट कर दिया तो फ्लूड फ्रिक्शन पैदा होगा, यानी डायनेमिक फ्रिक्शन पैदा होगा, मोशन में होगी उस समय, तो वो म्यू के घर्षण गुणांक होगा, उसका मान है 0.01। तो हमें दोनों ही स्थितियों में FS और FK का मान निकालना है, मतलब अधिकतम स्थितिक घर्षण बल का मान निकालना है और डायनेमिक फ्रिक्शन का मान निकालना है न्यूटन में। अब चूंकि हम जानते हैं वही फार्मूला, FS इज इक्वल टू μs इंटू n, n की जगह हम यहाँ पर क्या लग सकते हैं? F, चूँकि n बराबर F, वेट ऑफ ब्लॉक। n क्या है यहाँ पर? वो F क्या है यहाँ पर? ब्लॉक का वेट है, वेट से संबंधित, यानी फोर्स लग रहा है, तो ये वेट हो गया एक तरह का। तो ये n के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? n के बराबर। जब हम सूखे में चलाएंगे तो अधिकतम घर्षण बल, स्थितिक घर्षण बल FS किसके बराबर हो जाएगा? μs इंटू n की जगह क्या रख देंगे? F। और μs का मान आपको दे रखा है 0.03 और F का मान 5000, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? FS का मान 150 न्यूटन। फिर हम इस पर लुब्रिकेंट कर देते हैं, लुब्रिकेंट कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? डायनेमिक फ्रिक्शन में बदल जाएगा और मोशन करने लगेगा, मोशन करने लगेगा, तो जो डायनेमिक फ्रिक्शन है वो जो अधिकतम स्थितिक घर्षण बल है उससे कम हो जाएगा, कॉन्स्टेंटली कम हो जाएगा, कॉन्स्टेंट रहेगा और मोशन में जो बॉडी है वो मोशन में आ जाएगी।
तो वो एफ के है, डायनेमिक फ्रिक्शन क्या है, एफ के इजिकल टू म्यू के, इसमें जो घर्षण गुणांक लेंगे वो कौन सा लेंगे, फ्लूड फ्रिक्शन वाला घर्षण गुणांक लेंगे, यानी डायनेमिक कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन लेंगे, म्यू के इंटू एफ, वो कितना है 0.01 इंटू एफ का मान 5000, 5000, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 50 न्यूटन। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो एफ एस का मान आ रहा है वो कितना आ रहा है 150 न्यूटन, और जो डायनेमिक फ्रिक्शन का मान आ रहा है 50 न्यूटन। तो जो अधिकतम जो घर्षण बल है, स्थैतिक घर्षण बल का मान हमेशा डायनेमिक फ्रिक्शन से, इससे क्या पता चलता है, अधिकतम स्थैतिक घर्षण बल का मान हमेशा डायनेमिक फ्रिक्शन से अधिक होता है, जैसा कि हमने पहले अपने टॉपिक में बताया था इस चीज़ को, यही चीज़ है। तो ये सवाल हैं, सिंपल सवाल हैं फ्रिक्शन के ऊपर, जो मैंने 3 सवाल बताए हैं आपको, तो इनको इस तरह से आप कर सकते हैं। आगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है जो आपको खुद को सॉल्व करनी है, मैं आपको उनकी वीडियो भेजूंगा, फ़ोटो भेजूंगा, तो आप उनको राइट करके सॉल्व करिए, और जो आपको प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो उसको मुझे अगले दिन व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए, और प्रॉब्लम को मैं उसको आपको सॉल्व करके दे दूंगा। थैंक यू। आप मेरे वीडियोस जो देख रहे हैं जिस चैनल पर, उस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, आपसे बार बार कहा जा रहा है, जिससे हमें पता चल सके कि हमारे कितने व्यूवर्स हैं जो इसको देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो आप इनको देखिए, समझिए और कुछ ग्रहण कीजिए, क्योंकि परीक्षाएं आपकी नज़दीक हैं। मैं चाहता हूँ कि आपकी परीक्षाएं नज़दीक हैं, इसलिए आप कोर्स आपका डब्ल्यूसी का पूरा हो चुका है, सेकंड ईयर वालों का करीब करीब एक टॉपिक बच रहा है जो प्रदीप जी करा देंगे आपको। मैं रिवीजन में चल रहा हूँ, आपका स्टार्टिंग पॉइंट फ्रिक्शन से लेके चल रहा हूँ, तो रिवीजन में अपन चल रहे हैं। तो ये मैंने 3 न्यूमेरिकल्स आपको कराए, इसके अलावा और भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको सोल्व करने के लिए दूंगा, अनसोल्व, उनमें आपको अगर नहीं होते हैं तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।